हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी कॉम्बो रेसिपी जो कि है पनीर पसंदा, और उसके साथ बनाएंगे बटर गार्लिक पराठे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत फटाफट से ये बन भी जाती है। अब जैसे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं या वैसे भी किसी दिन संडे को आप ये आराम से बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो चलिए फिर हम देर नहीं करते और फटाफट से देख लेते हैं कि ये बढ़िया सी रेसिपी बनानी कैसे है। तो चलिए जी अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें ले लेना है पनीर। पनीर यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम। अब पनीर को यहाँ साइड से मैं थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ क्योंकि ये साइड्स वाला पनीर भी मुझे बाद में यूज़ करना है, तो इसको थोड़ा सा शेप देते हुए मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से कट करके पनीर अलग कर लेंगे और उसके बाद अब ये जो बचा हुआ पनीर है इसको हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर भी काट सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, बीच से इस तरीके से काट के ये देखिए इस तरीके से पनीर रखूँगी। मैंने पूरे दो पार्ट्स अलग नहीं किए हैं, मैंने इसमें सिर्फ कट लगाया है। अगर आप बिल्कुल दो पार्ट्स अलग कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको इसमें पनीर जो हमने रखा हुआ है वो मैश करके स्टफिंग भरेंगे और उसके बाद आपको उसको कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डाल के डीप फ्राई करना पड़ेगा, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं इसको सिंपल रखती हूँ, तो आगे मैं वो आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या करूँगी। अब ये जो पनीर मैंने साइड में रखा हुआ था उसको मैं हाथ से इस तरीके से मैश कर लूँगी। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, हाथ से आराम से मैश हो जाएगा। अगर आपका पनीर फ्रिज में रखा हुआ है थोड़ा सा हार्ड है तो आप उसको 5-6 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दें तो भी वो हो जाएगा। अब ये जो पनीर हमने मैश कर लिया है इसमें हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, दोनों एकदम बारीक चॉप किए हैं। इसके बाद डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है जिसको एकदम ही बारीक चॉप करके डाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखिएगा, थोड़ा सा। और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे पिसी हुई कार्डमम, कार्डमम यानी कि इलायची, इलायची को मैंने कूट लिया है वो डाला है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है साथ में पिसे हुए जीरे का पाउडर, और बस इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसके लिए जो हमने पहले पनीर में कट लगा के रखा था जो रेक्टेंगल शेप के थे उसके अंदर हम ये वाली स्टफिंग भरेंगे जो दूसरी पनीर वाली स्टफिंग हमने बनाई। आराम से भरिएगा ताकि जो पनीर है वो इधर उधर से टूटे ना। इस तरीके से आराम से ये हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया जिसमें बिल्कुल ही आप पनीर अलग करके फिर स्टफिंग भर के वो भी आप कर सकते हैं, वो जैसे आप ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं आलू की स्टफिंग करके, वो बिल्कुल वैसे ही करना है। और उसमें बेसन की जगह जो कॉर्नफ्लावर है उसकी स्लरी में आपको डिप करके और उसको डीप फ्राई करना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से करती हूँ। जब सारे पनीर के पीसेस अच्छे तरीके से स्टफ कर लेंगे फिर हम यहाँ पर लेंगे एक तवा। मैं यहाँ पे डीप फ्राई करना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ इसलिए मैं इसको शैलो फ्राई करती हूँ। तो आपके पास अब दो ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो पनीर के पीसेस हैं वो मैं रख दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं सेक लूँगी हर तरफ से। आप इसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ऊपर टेक्स्चर आ जाता है तो वो भी अच्छा लगता है। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इसको एयर फ्रायर में भी रख के कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे, जैसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। बस ये है कि पनीर को हमें अच्छी तरीके से हर तरफ से सेक लेना है। इसके बाद इसको निकाल लेंगे हम एक दूसरी किसी प्लेट में और फिर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल की। इसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देंगे बटर। अब जब ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर इसमें डालेंगे तेज़पत्ते, 2 से 3 डाल दीजिएगा आप। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, 2 से 3 यहाँ पे लौंग डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे 2 हम हरी इलायची। हरी इलायची बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ग्रेवी को। ठीक है, इसके बाद अदरक और लहसुन डालेंगे, लहसुन की 5-6 कलियाँ डाल दीजिएगा, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी, दालचीनी, तो दालचीनी भी डाल देंगे। इसको एक बार इस तरीके से हम चला लेंगे, करीब आधा मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं,
सिर्फ इन सारी चीज़ों का अरोमा जो है वो इसमें बटर में हमारी अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। तो थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद इसमें हमें डालने हैं प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और प्याज को मैंने बिल्कुल रफली काटा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बारीक ही काटना है, कैसे भी आप प्याज काट सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं, ठीक है। अब इसको हम चला लेंगे, और कुकिंग हमें करनी है हाई फ्लेम में। हाई फ्लेम में कुकिंग करेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब यहाँ पे प्याज को भी ना हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जैसे बाकी ग्रेवीज में करते हैं कि हम प्याज को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करते हैं, तो ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। इसमें आपको मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट के करीब लगेगा हाई फ्लेम में करेंगे तो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हमारे जो प्याज हैं वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ना, जब आपको समझ आ जाएगा देख के, उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने डाले हैं 3 टमाटर, भी मैंने मीडियम साइज़ के यूज़ करे हैं, और टमाटरों को भी रफली चॉप किया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 काजू। अगर आपके पास बाई एनी चांस काजू नहीं अवेलेबल हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप बाद में ग्रेवी में क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी इसलिए मैं काजू का यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसका यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, ठीक है। ग्रेवी में बहुत ज़्यादा भी नमक हमें नहीं करना है, नॉर्मल सा रखना है। उसके बाद मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले हल्दी पाउडर जाएगा, उसके बाद जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, ये तीखी नहीं होती है। अगर आपको तीखा पसंद है तो यहाँ पे आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है धनिया पाउडर। बस ये 3 ही सूखे मसाले डाले हैं, इसके सिवाय अभी मैं कोई भी और मसाला नहीं ऐड करूँगी, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और वेट करेंगे जब तक ये टमाटर हमारे गल नहीं जाते। आप चाहें तो इसको ढक कर भी पका सकते हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि टमाटर भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो जब टमाटर आपके अच्छे से हो जाएं तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें डालना है पानी। अब पानी यहाँ पे जाएगा 1 गिलास, जो नॉर्मल वाला गिलास होता है ना हमारे घर पे, बस वो ही हम यूज़ करेंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद इसे हमें करना है अच्छी तरीके से मिक्स, हाई फ्लेम में ही इसको हम बॉइल करेंगे, ठीक है। अब इसका जो पानी हमने डाला है वो अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए, दैट मीन्स जितना हमने पानी डाला है उसका सिर्फ 5-10% ही रह जाना चाहिए, जितना हमें चाहिए है इसका पेस्ट बनाने के लिए, बाकी सारे को हम सुखा लेंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि इसका ऑलमोस्ट पानी जो मैंने डाला था वो सूख चुका है, देख रहे हैं ना आप। तो बस फिर हमें क्या करना है, लास्ट में गैस का फ्लेम कर देना है ऑफ, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एकदम गर्म गर्म हमें नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है ताकि ये मिक्सर में अच्छी तरीके से पिस पाए और इसका बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। लेकिन उससे पहले हमें ये दालचीनी की स्टिक और जो हमने तेज पत्ता डाले थे वो निकाल लेने हैं, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही मिक्सर में डाल के इसको पीसिएगा। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तो मैं इसको पीस लूँगी। तो आप भी इसको थोड़ा सा पहले ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसको पीसिएगा। अब इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो दोबारा से वही वाली कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर और इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पे अदरक। अदरक को मैंने एकदम बारीक चॉप कर दिया है। अदरक डाल के इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसके बाद वो जो मसाले का हमने पेस्ट बनाया था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। अपना जो मिक्सर का जार है उसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, और वो सारा पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे। इसी के साथ मिक्सर को साफ़ करके जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी हम इसी मसाले में डाल देंगे, ठीक है ना। आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो ये पानी भी मैंने डाल दिया है, एक बार इसको आप चला लीजिएगा, और चलाने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे लास्ट में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो बिल्कुल एंड में हम ऐड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और बिल्कुल एंड में डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, एकदम थोड़ी सी चीनी डालनी है, ठीक है। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और बढ़िया सी हमारी ग्रेवी बनके एकदम तैयार है पनीर पसंदा की।
इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक प्लेटर लेंगे, उसमें हम नीचे ग्रेवी डालेंगे और उसके ऊपर ऐसे पनीर के पीसेस रखेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और अगर आपको अपने गेस्ट को सर्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पराठे पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बनाना है बटर। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप बटर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, सिर्फ 5 या 6 सेकेंड, इतनी देर में हो जाएगा। या फिर आप थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दीजिएगा, इस मौसम में तो वैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस बटर में हम ऐड करेंगे यहाँ पे गार्लिक। गार्लिक के 6 से 7 क्लोव्स थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और उसके साथ डाल रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमारा बटर यहाँ पे रेडी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नॉर्मल आटे की लोई लेनी है, जो हम नॉर्मल रोटियाँ पराठे का आटा लेते हैं, बस उसकी एक थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और उसको हम सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। पहले तो उसको हमें एकदम गोल बेलना है, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको गोल बेल लीजिएगा। इसके बाद वो जो हमने बटर बनाया है गार्लिक वाला, वो इसमें स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से, चारों तरफ आप इसको स्प्रेड कर दीजिएगा। और अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद फिर इसमें बीच में हमें कट लगाना है, बिल्कुल सीधा कट लगाना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस स्टेप टू स्टेप आपको वैसे करते जाना है। और उसके बाद इसको इस तरीके से हमें रोल कर लेना है, देखिए इस तरीके से आप इसको रोल कर लीजिएगा, और रोल करने के बाद ऊपर से दबा के इसकी हम ऐसे गोल सी लोई बना लेंगे। इसके बाद इसमें दोबारा से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको जैसे हमने पहले बेला था वैसे ही इसे हमें बेल लेना है। अगर आपके पास कलौंजी हो तो थोड़ी सी ऊपर से आप कलौंजी भी इसमें लगा सकते हैं, और अगर हरा धनिया हो तो वो भी कलौंजी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अभी अच्छे से बिल गई है, इसको हमें सेकना है, तो तवा गरम करेंगे और तवे में इसको डाल देंगे। जैसे नॉर्मल पराठे को सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे हमें सेक लेना है। जब एक तरफ से हो जाएगा तो इसको हमें पलट देना है, पलट के दूसरी तरफ से सेकना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ऊपर वाली साइड है, जो ऊपर आ गई है, उसमें फिर हमें लगाना है तेल या घी, जो भी आप प्रेफर करते हो पराठे को फ्राई करने में वो लगाएं। बढ़िया अच्छी तरीके से इसको हम दबा दबा करके सेक लेंगे। ये जो मैंने आपको पराठा बनाया है, ये आप इसको अकेले भी, अचार के साथ भी अगर सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और अगर आप इसको पनीर पसंदा के साथ ऐसे कॉम्बो में सर्व करेंगे तो सारे लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो होप ये जो आज की रेसिपी है ये आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.